हेलो मेरे दोस्तों, ये नेक्स्ट डे है जो मैं वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक बार फिर से मैं कोरियर लेके आ गया हूँ। देखो भाई, घर के बाहर खड़ा हूँ। ये देखो, ये सारा सामान इंडिया जाने वाला है। रोज रोज इतने पार्सल आ रहे हैं भाई घर पे। पता नहीं योगिता क्या क्या शॉपिंग कर रही है। ये देखो, हेलो हेलो, सो मेनी पार्सल फॉर अमन। हमारे रिटेल, हमारे रिलेटिव्स के लिए हम लोग बहुत सारे मतलब गिफ्ट्स लेके जा रहे हैं इंडिया, और हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए भी। ओए क्या कर रहा है, मेरे को क्यों पकड़ रहा है पीछे से? हैप्पी, आर यू हैप्पी? देखो मैं घर आता हूँ भाई, सब खुश हो जाता है, बस क्या होता हूँ यार। तो देखो भाई, ये सब हमारे कोरियर जो है डेली आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं। और योगिता के लिए मैंने इतना स्पेशल गिफ्ट खरीदा ना, वो अभी नहीं आया, एक दो दिन में आ जाएगा। एक आईफोन है, इसको पता नहीं है, मैंने बताया नहीं है, मैंने सरप्राइज रखा है आईफोन एक मैंने इसके लिए। इसका फ़ोन ख़राब हो गया था, मैंने कहा यार इंडिया जा रही है, अच्छा सा फ़ोन लेके दे देता हूँ। वाओ, सो ब्यूटीफुल, कम हियर, कम हियर। यस, इट्स योर्स। तो यहाँ पे भाई योगिता ने, भाई ये सारा कोरियर है हमारा, सामान आ गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे घर पे भाई साहब इतने सारे पार्सल आ चुके हैं। आप देख सकते हैं, ये सारा का सारा सामान जो है, रोज रोज नया सामान आता है, जिसको मैं अपने लगेज के अंदर, बैग के अंदर पैक कर रहा हूँ, और सारा का सारा सामान अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए लेके आ रहा हूँ। गिफ्ट्स बहुत सारे, और जो सब्सक्राइबर्स मुझे मीटअप में मिलने के लिए आएंगे, उनके लिए भी मेरे पास जो बहुत सारे गिफ्ट्स रहेंगे। और मीटअप के लिए हम लोकेशन डिसाइड करेंगे और ज़रूर मिलेंगे। तो यहाँ का ठंडा वातावरण बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है, यहाँ से छोड़ के इंडिया आ रहा हूँ बहुत जल्दी, इंडिया अपने दोस्तों से, आप लोगों से मिलने के लिए। बहुत जल्द मिलूँगा इंडिया में, ठीक है दोस्तों। ये देखिए मेरे दोस्तों, रोज़ रोज़ नए पार्सल के साथ मैं पहुँच जाता हूँ अपने घर पे। वाह, ये क्या है? डायनासोर। वाह, डायनासोर और जिराफ। ओ जिराफ, पकड़ो पार्सल को, अंदर खींचो। ये लो योगिता, पकड़ पकड़, अंदर लेके जाओ, अंदर लेके जाओ, ये भी लेके जाओ। बहुत सारा सामान है, बहुत सारा पार्सल है। अमन, show me your new shoes. मेरे अमन बेटू के नए शूज, नए शूज दिखाओ, ऐसे दिखाओ, न्यू शूज। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। पोज कैसे मारता है अमन, पोज करके दिखाओ। ओ, ऐसे पोज मारेगा। शीशे के सामने खड़े हो जाओ, जाओ शीशा कहाँ है? गुस्से हो गया क्यों? ओ, यू आर रियल टायर्ड। सो जा, सो जा, सो जा। उसार्स, आज एक बार फिर से हमारी सिटी में स्नोफॉल हो गया दोस्तों। मैं दो दिन बाद जो है इंडिया आ रहा हूँ, अपने देश, अपने वतन, अपने हिंदुस्तान, अपने भारत। और मैंने यही टाइम क्यों चूज़ किया पता है, कि इस टाइम पे जो है ना, नॉर्थ चाइना में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अभी 6 महीने हो गए यहाँ पे ठंड पड़ते हुए। 6 मंथ ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी 1-2 महीने और ठंड रहेगी। साल में 2-3 महीने यहाँ पे गर्मी आती है, तो इसलिए अभी जो है यहाँ से हम इंडिया आएंगे, 2 महीने यहाँ पे और ठंड है, तो ये वाला समय हम इंडिया में स्पेंड करेंगे। तो इंडिया में गर्मी रहेगी, है ना, तो इंडिया में उतनी ज़्यादा ठंड नहीं रहेगी, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंड है यार। इसलिए अभी इंडिया आ जाऊँगा और अपने फैमिली के साथ और फुल इंजॉय करेंगे 2 महीने के लिए। ये भाई चाइना की स्कूल बस से लग गई, और ये देखो यहाँ पे प्ले स्कूल है, एक प्ले स्कूल जितना भी येल्लो कलर का दिख रहा है, ये प्ले स्कूल है, किन्नर गार्डन बोलते हैं, किन्नर गार्डन। ये देखिए, ये सारे बच्चे जो, ये स्कूल बस का वेट कर रहे हैं यहाँ पे लाइन में। स्कूल ओपन हो गए हैं चाइनीज़ न्यू ईयर के बाद। ये देखिए भाई, चाइना की स्कूल बस फ्रंट साइड से बहुत क्यूट सी होती है ये। ये देखो भाई लोग, अभी भी स्नोफॉल हो रहा है, और ये लोग यहाँ पे, हेलो हेलो, और यहाँ पे गुड मॉर्निंग। यहाँ पे देखो भाई, ये लोग सुबह जैसे ही स्नोफॉल होता है ना,
तो बर्फ को साफ करते हैं और इसके अंदर डाल के देखो, और इसके अंदर डाल के ये लोग जो बर्फ को बिल्कुल साइड लगा देते हैं, जरा भी टिकने नहीं देते भाई यहाँ पे, ताकि बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को जो यहाँ पे काम करते हैं उनको दिक्कत ना हो। सैल्यूट है भाई इन लोगों को। तो दोस्तों मेरा लंच टाइम है, बाहर आया हूँ, योग्यता का फ़ोन ख़राब हो गया है। तो ये देखो भाई, ये वाला फ़ोन है एक, ये ख़राब हो गया है, इसको ठीक करवाने के लिए ना यहाँ पे आया हूँ। लंच टाइम था तो सोचा कि अभी फ़ोन ठीक करवा के आ जाता हूँ, कल तो टाइम नहीं मिलेगा, कल की फ़्लाइट है हमारी, इंडिया जाएंगे हम कल। योग्यता का आईफोन तोड़ दिया हमने, तो बोला इसको ठीक करवा के लाता हूँ यार। जय श्री राम। ये बढ़िया भाई, यहाँ पे आप रोड क्रॉस करने के लिए लगते भी हो ना, रोड क्रॉस करने की कोशिश भी करते हो ना, तो यहाँ पे गाड़ियाँ रोक देते हैं लोग गाड़ियाँ। एक्चुअली मुझे भूख भी बहुत लगी है, लेकिन सबसे पहले अपनी वाइफ का फ़ोन ठीक करवाऊँगा। अरे वाह भाई, पिंक कलर की गाड़ी, कीचड़ कीचड़ हो गया चारों तरफ। ये देखो भाई, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो चुका है भाई, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम, इसलिए हम जो है 2 महीने के लिए इंडिया आ जाएंगे, उधर अपना एंजॉय करेंगे। इधर तो बर्फ पड़ रही है चारों तरफ, ये देखो। फ़ोन 240元 फ़ोन भाई इन भाई को दे दिया है, ये भाई करेंगे ठीक फ़ोन मेरा। 250 RMB बोल रहे हैं ठीक करने के, वही 3000 रुपये। फ़ोन ठीक हो गया, स्क्रीन ठीक हो गई है। अब जा रहा हूँ मैं अपनी जॉब पे वापस, योगा सेंटर, मेरी कुछ क्लासें हैं, उसके बाद फिर जाऊँगा घर। भाई यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पूरा मार्केट बना रहे हैं यहाँ पे। ये देखो भाई, यहाँ पे कंटेनर्स को काट काट के पूरा मार्केट तैयार कर दिया इन्होंने, और स्नोफॉल जो है ना कंटिन्यूस हो ही रहा है। और ये देखो भाई, सफाई कर्मचारी बेचारे कितनी मेहनत करके ये साफ करते हैं। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है यहाँ पे। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आपका कीमती समय निकालकर हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद है। और भी बहुत सारी वीडियो जो है एडिटिंग में पेंडिंग में है, धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा सब अपलोड करने के लिए, और आई होप वीडियोस आपको बहुत पसंद आने वाली हैं और बहुत पसंद आएंगी। और बिना लाइक शेयर सब्सक्राइब किए हुए आपको जाना नहीं है, हमारे साथ हमेशा के लिए चैनल के साथ जुड़ के रहना है। ज्वाइन का बटन भी आ चुका है, आप चाहें तो वहां पे ज्वाइन भी कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, लव यू। हमारे इंडिया का पूरा 2 महीने का जो भी टूर है उसको हमारे साथ पूरा देखिए और इंजॉय कीजिए। जय हिंद दोस्तों, लव यू।